वोट यात्रा पर नेताजी कार्यक्रम में आज हमारे साथ होंगे झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, जो लोहरदगा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आज हम उनके साथ दिन भर होंगे, उनकी दिनचर्या पर नजर डालेंगे, कैसे वो अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और उनकी सभाएं कैसे होती हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं और कैसे चुनाव प्रचार करते हैं, उस पर नजर होगी हमारे। आइए चलते हैं रामेश्वर उरांव के आवास। रामेश्वर उरांव अपने विधानसभा क्षेत्र में निकलने से पहले भगवान को याद करना नहीं भूलते हैं और ये अब पहुँचे हैं अपने आवासीय परिसर में, जो एक छोटा सा पूजा कक्ष है जहां वो अभिवादन कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं और इसके बाद सीधे वो विधानसभा क्षेत्र में निकलेंगे। रामेश्वर उरांव यहां मौजूद हैं जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उरांव साहब, आप जो है विधानसभा क्षेत्र में निकलने से पहले भगवान को याद करते हैं, कितनी आस्था है आपकी? देखिए, भगवान पर तो आस्था रखना ही है और मैं शुरू से रहा हूँ, शुरू से बचपन से ही मेरी आस्था रही है भगवान के प्रति और मैं शिव भगवान की पूजा करता हूँ, है ना, सिर्फ शिव भगवान करता हूँ। इधर कालांतर में माँ तारा, उग्र तारा, माँ उग्र तारा, हनुमान जी, बचपन में डर लगता था हनुमान चालीसा, जैसे कंठस्थ हमको हनुमान चालीसा, हाँ ना, जहाँ कुछ होता है हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो ये पहले से बचपन से ही है, वो एक संस्कार मिला है घर से, उसी को आगे बढ़ाता रहता हूँ। अक्सर हम बातचीत में आपसे सुनते हैं कि आपकी सभी धर्मों में आस्था है, आप सभी पूजा पद्धतियों में आपकी आस्था है। देखिए, भगवान एक ही है, सभी गुरुओं ने यही कहा है। अब मनुष्य अलग अलग रूप में उसको मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई गॉड को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कोई प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे ट्राइबल में हम लोग हैं प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। तो ये जहाँ तक सवाल है आस्था का, धर्म का, धर्म सबको ही मानते हैं, अलग अलग ढंग से मानते हैं। और मेरा है कि मैं कुछ इस परिवेश में रहा कि प्रभावित रहा अपने साथियों से, उनके धर्म पर विश्वास के, जैसे मेरे साथी थे इकबाल साहब, मुस्लिम थे, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं, तो उन्होंने मुझे रमजान के महीने में रोजा रखवाया और तब से मैं 33 साल तक रोजा रखा। इधर उतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, समय भी नहीं मिलता, बार बार जाना पड़ता है, इसलिए छोड़ दिया हूँ, इधर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसी तरह से बड़ा दिन में भी है ना, प्रभु यीशु का भी गुणगान करता हूँ, कभी कभी बाइबल भी पढ़ता हूँ, पढ़ा कर सब हूँ, कुरान पढ़ा हूँ, बाइबल पढ़ा हूँ मैं, आस्था है, सब भगवान एक हैं अंततः, इसलिए मैं सबकी सबका स्मरण करता हूँ। चुनाव में तो वोटर ही आपके लिए भगवान है? एकदम वोटर भगवान हमारा है, वोटर भगवान हमारा है। और अगर समय है आपको तो एक छोटी सी कहानी बताऊं, समय है जी, तो एक बड़े नेता थे, मंत्री थे, तो पुलिस अफसर आते थे, पदाधिकारी आते थे सिविल सर्विस के, सब नमस्कार झुक के करते थे। तो उसका पोता छोटा सा बच्चा था, देखता था, तो पोते ने कहा कि बाबा, दादा, आप तो सबसे बड़े आदमी हैं, जो आता है एसपी आता है, डीआई आता है, आपको सलाम करता है, अफसर आते हैं वो सबको झुक के सलाम करते हैं, सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई है क्या? तो बोला है, तो बताइए कौन है, समय आने पर बताऊंगा, उस मंत्री जी ने कहा। चुनाव का समय आया, इस पर चले वो चुनाव प्रचार में, अपना पोता को लेकर चले, तो अपने से जितने बड़े उम्र के थे सबको पैर छूते हुए चल रहे थे, वो पैर छूना शुरू किए। तो पोता ने कहा, करी आप तो बड़ा बड़ा अफसर आता है, आजी डीआईजी आता है, एसपी डीआईजी आता है, आपको सलाम कर सल्यूट करता है, आप इस वृद्ध को, है ना, जिसमें अर्धनग्न है, कुछ पहना नहीं है, गंजी नहीं है, धोती आधा पहने हुए है, उसी को पैर छू रहे हैं। बोला कि बेटा, यही मेरा भगवान है, यही वोटर ही हमारे भगवान, हम हैं इन्हीं के चलते, हम हैं, ये हैं तो हम हैं, ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे।
अफसर उरांव का काफिला लोहरदगा के जोरी गांव पहुंचा है। जोरी गांव में वो ग्रामीणों के साथ संवाद कर रहे हैं। यहां जो लोग हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू हो रही है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गांव के जो स्थानीय नेता हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है और रामेश्वर उरांव भी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। रामेश्वर उरांव यहाँ ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। हम ग्रामीणों से खुद ही जानते हैं कि उनके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं। आप लोगों के लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं? हम लोग के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, यही है कि सरकार को बदली करना है, बीजेपी के जगह में कांग्रेस गठबंधन सरकार बने। क्यों बदली करनी है, किन मुद्दों पर बदली करनी है? हम लोग को बहुत संतुष्टि नहीं लगा ये सरकार से, जो बीजेपी की सरकार है उससे। सरकार कहती है कि बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाएं उन्होंने मुहैया कराया, गांव-गांव तक इन योजनाओं को पहुंचाया। हाँ, उनका तो कहना है, लेकिन जब जैसे मान लीजिए बिजली मारते हैं तो बिजली 24 घंटे के जगह में 5 घंटे मिलता है। उप स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं दवाई नहीं मिलता है, शिक्षा में जाते हैं तो पढ़ाई नहीं मिलता है। कहते तो बहुत हैं, होता नहीं है। रामेश्वर उरांव गांव के दौरे पर लोगों से बात करते हैं, स्थानीय बोली में बातचीत होती है और चुनाव प्रचार में अपने मुद्दों को रखते हैं। यहां आप छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, गांव के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मुद्दों पर बातचीत हो रही है। मैं इसको सभा नहीं कहूंगा, लोगों से मिलना बोलूंगा। लोग जमा होते हैं, अभी धन कटने का समय चल रहा है इसलिए संख्या इनकी कम होती है, मिलते हैं। इन्हीं की मांग है कि आइए गांव में एक बार, हमको देख आपको देख लेंगे, अपनी समस्या को बता देंगे, आप फिर आप जाइए, आप ही को वोट देंगे। तो उसी तरह से हम जगह जगह घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के सरकार की विफलता के बारे में बता रहे हैं। वो वाकिफ है पहले से लोग, लेकिन हमारा कर्तव्य है बताना, बता रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम इसको दूर करेंगे। जो कठिनाइयाँ आपको है, पानी की कठिनाई, सड़क की कठिनाई, बिजली की कठिनाई, स्कूल में जो कठिनाई है, जगह जगह स्कूल बंद कर दिया सरकार ने, वो खुलवाएंगे उसको, ये सारी चीज़ बता रहे हैं। लोग संतुष्ट हो रहे हैं और कांग्रेस को यहाँ पर कांग्रेस को आकर्षित हो रहे हैं। तो रामेश्वर उरांव बुनियादी मुद्दों पर बात कर रहे हैं और आगे उनका काफिला बढ़ेगा और हम देखेंगे कि आगे उनकी कैसी सभाएं होंगी, कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों के बीच कौन से मुद्दे रखेंगे। जहां जाइए ब्लॉक में और थाना में बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता। जवान पढ़ लिख रहा है लेकिन सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है, हमारे जवान बेरोजगार हैं, माइंस बंद है आपका, जिससे झारखंड वो बंद 9 महीने से पड़ा हुआ। किसी के पॉकेट में पैसे नहीं है क्योंकि मजदूरी नहीं मिल रही है, ट्रक ऑनर परेशान है, ट्रक के ड्राइवर खलासी परेशान है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि चले जाइएगा आप लोहरदगा शहर में तो वहां परेशान मिलेंगे आपको दुकानदार, कौन आएगा? दुकान खोल करके हम दिन भर बैठते हैं, एक दो कस्टमर आ हो रहा है तो हमको भी फाका हो रहा है, फाका पड़ रहा है हमारे घर में। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था चरमरा गई है लोहरदगा की, बॉक्साइड माइंस के बंद रहने से। अब वो 9 महीना तो खत्म, स्कूल को सुचारू रूप से चलाएंगे, पानी पीने का भी हट पर नया व्यवस्था करेंगे। जी कार्यक्रम में आज हमारे साथ होंगे झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, जो लोहरदगा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आज हम उनके साथ दिन भर होंगे, उनकी दिनचर्या पर नजर डालेंगे, कैसे वो अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और उनकी सभाएं कैसे होती हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं और कैसे चुनाव प्रचार करते हैं, उस पर नजर होगी हमारे। आइए चलते हैं रामेश्वर उरांव के आवास।
रामेश्वर उरांव अपने विधानसभा क्षेत्र में निकलने से पहले भगवान को याद करना नहीं भूलते हैं और ये अब पहुंचे हैं अपने आवासीय परिसर में जो एक छोटा सा पूजा कक्ष है जहां वो अभिवादन कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं और इसके बाद सीधे वो विधानसभा क्षेत्र में निकलेंगे। रामेश्वर उरांव यहां मौजूद हैं जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उरांव साहब, आप जो है विधानसभा क्षेत्र में निकलने से पहले भगवान को याद करते हैं, कितनी आस्था है आपकी? देखिए, भगवान पर तो आस्था रखना ही है और मैं शुरू से रहा हूँ, शुरू से बचपन से ही मेरी आस्था रही है भगवान के प्रति और मैं शिव भगवान की पूजा करता हूँ, है ना, सिर्फ शिव भगवान करता हूँ। इधर कालांतर में माँ तारा, उग्र तारा, माँ उग्र तारा, हनुमान जी, बचपन में डर लगता था हनुमान चालीसा, जैसे कंठस्थ हमको हनुमान चालीसा, हाँ ना, जहाँ कुछ होता है हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो ये पहले से बचपन से ही है, वो एक संस्कार मिला है घर से, उसी को आगे बढ़ाता रहता हूँ। अक्सर हम बातचीत में आपसे सुनते हैं कि आपकी सभी धर्मों में आस्था है, आप सभी पूजा पद्धतियों में आपकी आस्था है। देखिए, भगवान एक ही है, सभी गुरुओं ने यही कहा है। अब मनुष्य अलग अलग रूप में उसको मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई गॉड को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कोई प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे ट्राइबल में हम लोग हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। तो ये जहाँ तक सवाल है आस्था का, धर्म का, धर्म सबको ही मानते हैं, अलग अलग ढंग से मानते हैं। और मेरा है कि मैं कुछ इस परिवेश में रहा कि प्रभावित रहा अपने साथियों से, उनके धर्म पर विश्वास के, जैसे मेरे साथी थे इकबाल साहब, मुस्लिम थे, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं, तो उन्होंने मुझे रमजान के महीने में रोज़ा रखवाया और तब से मैं 33 साल तक रोज़ा रखा। इधर उतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, समय भी नहीं मिलता, बार बार जाना पड़ता है, इसलिए छोड़ दिया हूँ, इधर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसी तरह से बड़ा दिन में भी है ना प्रभु यीशु का भी गुणगान करता हूँ, कभी कभी बाइबल भी पढ़ता हूँ, पढ़ा सब हूँ, कुरान पढ़ा हूँ, बाइबल पढ़ा हूँ मैं, आस्था है, सब भगवान एक हैं अंततः, इसलिए मैं सबकी सबका स्मरण करता हूँ। चुनाव में तो वोटर ही आपके लिए भगवान है? एकदम वोटर भगवान हमारा है, वोटर भगवान हमारा है। और अगर समय है आपको तो एक छोटी सी कहानी बताऊं, समय है जी, बिल्कुल। तो एक बड़े नेता थे, मंत्री थे, तो पुलिस अफसर आते थे, पदाधिकारी आते थे सिविल सर्विस के, सब नमस्कार झुक के करते थे। तो उसका पोता छोटा सा बच्चा था, देखता था, तो पोते ने कहा कि बाबा दादा आप तो सबसे बड़े आदमी हैं, जो आता है एसपी आता है, डीआई आता है, आपको सलाम करता है, अफसर आते हैं वो सबको झुक के सलाम करते हैं, सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई है क्या? तो बोला है। तो बताइए कौन है, समय आने पर बताऊंगा, उस मंत्री जी ने कहा। चुनाव का समय आया, इस पर चले वो चुनाव प्रचार में, अपना पोता को लेके चले, तो अपने से जितने बड़े उम्र के थे सबको पैर छूते हुए चल रहे थे, वो पैर छूना शुरू किए। तो पोता ने कहा करी आप तो बड़ा बड़ा अफसर आता है, आजी डीआईजी आता है, एसपी डीआईजी आता है, आपको सलाम कर सल्यूट करता है, आप इस वृद्ध को है ना जिसमें अर्धनग्न है, कुछ पहना नहीं है, गंजी नहीं है, धोती आधा पहने हुए है, उसी को पैर छू रहे हैं। बोला कि बेटा यही मेरा भगवान है, यही वोटर ही हमारे भगवान, हम हैं इन्हीं के चलते, हम हैं, ये हैं तो हम हैं, ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। सर उरांव का काफिला लोहरदगा के जोरी गांव पहुंचा है, जोरी गांव में वो ग्रामीणों के साथ संवाद कर रहे हैं, यहाँ जो लोग हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगु हो रही है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है, गांव के जो स्थानीय नेता हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है और रामेश्वर उरांव भी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं।
रामेश्वर उरांव यहाँ ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। हम ग्रामीणों से खुद ही जानते हैं कि उनके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं। आप लोगों के लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं? हम लोग के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, यही है कि सरकार को बदली करना है, बीजेपी के जगह में कांग्रेस गठबंधन सरकार बने। क्यों बदली करनी है, किन मुद्दों पर बदली करनी है? हम लोग को बहुत संतुष्टि नहीं लगा ये सरकार से, जो बीजेपी की सरकार है उससे। सरकार कहती है कि बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाएं उन्होंने मुहैया कराया, गांव-गांव तक इन योजनाओं को पहुंचाया। हाँ, उनका तो कहना है, लेकिन जब जैसे मान लीजिए बिजली में आते हैं तो बिजली 24 घंटे के जगह में 5 घंटे मिलता है, उप स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं दवाई नहीं मिलता है, शिक्षा में जाते हैं तो पढ़ाई नहीं मिलता है। कहते तो बहुत हैं, होता नहीं है। रामेश्वर उरांव गांव के दौरे पर लोगों से बात करते हैं, स्थानीय बोली में बातचीत होती है और चुनाव प्रचार में अपने मुद्दों को रखते हैं। यहां आप छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, गांव के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मुद्दों पर बातचीत हो रही है। मैं इसको सभा नहीं कहूंगा, लोगों से मिलना बोलूंगा। लोग जमा होते हैं, अभी धन कटने का समय चल रहा है इसलिए संख्या की कम होती है, मिलते हैं। इन्हीं की मांग है कि आइए गांव में एक बार, हमको देख आपको देख लेंगे, अपनी समस्या को बता देंगे, आप फिर आप जाइए, आप ही को वोट देंगे। तो उसी तरह से हम जगह जगह घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के सरकार की विफलता के बारे में बता रहे हैं। वो वाकिफ है पहले से लोग, लेकिन हमारा कर्तव्य है बताना, बता रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम इसको दूर करेंगे। जो कठिनाइयाँ आपको है, पानी की कठिनाई, सड़क की कठिनाई, बिजली की कठिनाई, स्कूल में जो कठिनाई है, जगह जगह स्कूल बंद कर दिया है सरकार ने, वो खुलवाएंगे उसको, ये सारी चीज़ बता रहे हैं। लोग संतुष्ट हो रहे हैं और कांग्रेस को यहाँ पर कांग्रेस को आकर्षित हो रहे हैं। तो रामेश्वर उरांव बुनियादी मुद्दों पर बात कर रहे हैं और आगे उनका काफिला बढ़ेगा और हम देखेंगे कि आगे उनकी कैसी सभाएं होंगी, कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों के बीच कौन से मुद्दे रखेंगे। जहां जाइए ब्लॉक में और थाना में, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता। जवान पढ़ लिख रहा है लेकिन सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है, हमारे जवान बेरोजगार हैं, माइंस बंद है आपका, जिससे झारखंड वो बंद 9 महीने से पड़ा हुआ। किसी के पॉकेट में पैसे नहीं है क्योंकि मजदूरी नहीं मिल रही है, ट्रक ऑनर परेशान है, ट्रक के ड्राइवर खलासी परेशान है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि चले जाइएगा आप लोहरदगा शहर में तो वहां परेशान मिलेंगे आपको दुकानदार लोग, कौन आएगा? दुकान खोल करके हम दिन भर बैठते हैं, एक दो कस्टमर आ हो रहा है तो हमको भी फाका हो रहा है, फाका पड़ रहा है हमारे घर में भी। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था चरमरा गई है लोहरदगा की, बॉक्साइड माइंस के बंद रहने से, अब वो 9 महीना तो खत्म। स्कूल को सुचारू रूप से चलाएंगे। रामेश्वर उरांव के साथ हम लोहरदगा के किसको ब्लॉक पहुंच चुके हैं। रामेश्वर उरांव यहां एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, बुनियादी मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा
और जो स्थानीय मुद्दे हैं जल जंगल जमीन से जुड़े उस पर चर्चा कर रहे हैं, और जो विरोधी हैं उनके मैदान में उन पर वो पलटवार भी कर रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं। सरकार से हम लोग असंतुष्ट हैं, इस सरकार को भगाना चाहते हैं। रामेश्वर उरांव अपने बैठकों और सभाओं में लगातार स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा करते हैं, साथ ही सरकार के जो योजनाएं हैं रही हैं वो जमीन पर उतरी हैं या नाकाम हुई हैं उस पर चर्चा होती है। रामेश्वर उरांव साहब, आपने कई मुद्दों पर चर्चा की, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकार के योजनाओं पर आप सवाल उठाते हैं। जी, जो जमीन में हकीकत है उसी की बात करता हूँ और लोगों को बता लो, मैं नहीं कहता हूँ, लोग ही कहते हैं। लोगों ने कहा कि देख लीजिए सड़क, 30 साल पहले सड़क बनी थी, ये बीजेपी का आजू का नामों निशान नहीं था, कांग्रेस सरकार ने बनाया था उसको। बिजली लगी थी 2004 और 9 के बीच में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत, चापाकल लगा था जगह जगह इंदिरा जी के समय में, प्रधानमंत्री थे उस समय। स्कूल 30-40 साल पहले बने थे, सारा तो कांग्रेस से किया हुआ था। ये कांग्रेस के का नाम मिटाने के लिए अपना अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीन में है, स्कूल बंद है, 5000 स्कूल झारखंड में इस सरकार ने बंद कराया है। बच्चे को दिक्कत हो रही है, गार्जियन को दिक्कत हो रही है, उनको पहुंचाना पड़ता है छोटे बच्चों को, 5-6 साल के बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, 1 क्लास 2 क्लास में पहुंचाना पड़ता है इनको, लाना पड़ता है इनको। तो ये सब दिक्कतें जो हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ, महंगाई है, ये सारे जो मुद्दे हैं, लोग त्रस्त है इससे। और लोग हम लोग को बोलते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को, ये बड़ी बातें कर रही है सरकार, कुछ मिला नहीं है, आप आइए गठबंधन बनाइए और आपको हम जिताएंगे, अकेले अकेले लड़िएगा तो वोट का बिखराव होगा, गठबंधन में आइए, इसलिए हमने गठबंधन किया। उरांव साहब, जब आप जनसभा में होते हैं तो आप कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं, हमने देखा कि जब आप गांव में ग्रामीणों से बात कर रहे थे तो सरना धर्म कोड को लेकर चर्चा हो रही थी, क्या ये भी मुद्दा है झारखंड के चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा काफी उठा? जी, ये जब तक सरना कोड नहीं मिलता है तब तक ये मुद्दा बना रहेगा। ये आदिवासियों का मुद्दा है जो दूसरे धर्म में नहीं गए हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं। धर्म एक पहचान होती है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, सिख है, ये एक धर्म जो होता है किसी भी कौम का एक पहचान बनता है वो। तो आदिवासियों का जो इतने बड़े लगभग 9 करोड़ आदिवासी हैं जिनका जो प्रकृति की पूजा करते हैं, अपने को सरना बोलते हैं, उस सरना का भी पहचान दिया जाना चाहिए, उनके धर्म कोड में सरना को मान्यता मिलनी चाहिए। ये लोगों की मांग है और उसी मांग को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप लोकसभा में देखे होंगे कि बीजेपी ने कई मुद्दे उठाए जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, 370 का या NRC का या अयोध्या मंदिर का, क्या आपको लगता है कि जो विभिन्न विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उछला, झारखंड के विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों की कोई अहमियत है? देखिए, इन्होंने ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा कह करके उठाया हरियाणा में, रिजल्ट क्या हुआ, अपनी सरकार तो बना नहीं सके। महाराष्ट्र में इन्होंने उठाया, क्या हुआ, बीजेपी तो अभी तक सरकार नहीं बना पाई। हरियाणा में सफल हुई है, महाराष्ट्र में नाकाम हुई। नहीं, वो तो जोड़ तोड़ से हुए ना, हरियाणा में अपनी सरकार तो नहीं बना सकी, इतना बड़ा मुद्दा, पहले इसकी अपनी सरकार थी, आज तो अपनी सरकार नहीं है, ये साझा सरकार है, टिकी हुई है किसी के सहारे में, जेजेपी के सहारे में। तो ये जो है मुद्दा उठा करके मिला नहीं इनको, और यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ झारखंड का चुनाव है, झारखंड की जनता लोकल इशू पर, स्थानीय मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। CNT SPT हो या धर्मांतरण का मुद्दा हो, ये इस पर लड़ रहे हैं, स्थानीय मुद्दे पर, हमको राष्ट्रीय से यहाँ नहीं। राष्ट्र का मुद्दा तब उठेगा जब देश में चुनाव होगा, केंद्र सरकार बनाने के लिए चुनाव होगा, तब उठता है, तब उठना चाहिए, यहाँ क्या मतलब है इसका। एक और मुद्दा है उनका और टारगेट भी है, कहें तो 65 पार का टारगेट। तो हरियाणा में कहाँ पार किए, 75 पार थे, आधा आए है ना, आधा भी नहीं हुआ, आधा से हमें हो गया। हरियाणा में ये महाराष्ट्र में कहाँ रहे, 200 पार कहते थे, 102 में टिक गए,
एक और बात आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हाथी है और उसकी पूछ है आजसू। हाँ, लोगों को समझाने के लिए कि लोग को भरमाता है, आजसू वाले भरमाते हैं कि हम तो सरकार में नहीं हैं, हमारा क्या दोष है। तो हम कहते हैं कि नहीं, सरकार में है, ये सरकार जो है भाजपा की, आजसू दोनों की है। भाजपा बड़ी पार्टी है, हाथी है, आजसू 6 उसके MLA हैं, विधायक हैं, तो पूछ है उसका। चुनाव बाद गठबंधन हो सकता है। पूरा पूरा ये फिर जमा होंगे, इनका मकसद एक ही है, मकसद लोग जानते हैं क्या मकसद से। आज जगह जगह कहीं गमछा बांध रहे हैं, कहीं तौलिया बांध रहे हैं, ये घर से दे रहे हैं क्या? ये तो लूटा हुआ, ये लूटे थे सत्ता में, शासन में, सरकार में रह करके उसी पैसे से ही बांट रहे हैं लोगों। लेकिन लोग समझ गए, कल हम कुड़ू में गए थे, लोगों ने ही बताया कैसा सा हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रलोभन में नहीं फंसेंगे, हम जानते हैं इनका हकीकत। आप लोग सरकार बनाएंगे? जनता का आशीर्वाद हम जगह जगह घूम घूम के ले रहे हैं गठबंधन के तहत, और जरूर बना, हमको उम्मीद है कि लोग हमको मदद करेंगे, आशीर्वाद देंगे, हम बनाने में हम कामयाब भी होंगे। तो सीधे तौर पे आपने रामेश्वर राव को सुना, जो अपनी सभाओं में विभिन्न मुद्दों की चर्चा करते हैं और अपने विरोधियों पर करारा प्रहार करते हैं, कई मुद्दे वो जुबान पर लाए हुए हैं, बीजेपी को हाथी बताते हैं तो आजसू को उसकी पूंछ बताते हैं, यानी इशारों इशारों में अपने समर्थकों को ये बात समझाते हैं कि ये दोनों दल एक साथ हैं। साथ ही वो अपने एजेंडों को भी आगे लाते हैं कि उनकी सरकारों में क्या कुछ काम हुआ, उनकी उपलब्धियां क्या थी, और जो मौजूदा सरकार है उसकी भी योजनाओं की चर्चा करते हैं। वोट यात्रा पर रामेश्वर उरांव के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी और नेता के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए News 18। रामेश्वर उरांव के साथ हम लोहरदगा के किस्को ब्लॉक पहुंच चुके हैं। रामेश्वर उरांव यहां एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, बुनियादी मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जल, जंगल, जमीन से जुड़े, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो विरोधी हैं उनके मैदान में, उन पर वो पलटवार भी कर रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं। सरकार से हम लोग असंतुष्ट हैं, इस सरकार को भगाना चाहते हैं। रामेश्वर उरांव अपने बैठकों और सभाओं में लगातार स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा करते हैं, साथ ही सरकार के जो योजनाएं रही हैं वो जमीन पर उतरी हैं या नाकाम हुई हैं उस पर चर्चा होती है। रामेश्वर उरांव साहब, आपने कई मुद्दों पर चर्चा की, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकार के योजनाओं पर आप सवाल उठाते हैं। जी, जो जमीन में हकीकत है उसी की बात करता हूं और लोगों को बता लो, मैं नहीं कहता हूँ, लोग ही कहते हैं। लोगों ने कहा कि देख लीजिए सड़क, 30 साल पहले सड़क बनी थी, ये बीजेपी का आजसू का नामों निशान नहीं था, कांग्रेस सरकार ने बनाया था उसको। बिजली लगी थी 2004 और 9 के बीच में, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत। चापा कल लगा था जगह जगह इंदिरा जी के समय में, प्रधानमंत्री थे उस समय। स्कूल 30-40 साल पहले बने थे, सारा तो कांग्रेस किया हुआ था। ये कांग्रेस के का नाम मिटाने के लिए अपना अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीन में है। स्कूल बंद है, 5,000 स्कूल झारखंड में इस सरकार ने बंद कराया है। बच्चे को दिक्कत हो रही है, गार्जियन को दिक्कत हो रही है, उनको पहुंचाना पड़ता है छोटे बच्चों को, 5-6 साल के बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, 1 क्लास 2 क्लास में पहुंचाना पड़ता है इनको, लाना पड़ता है इनको। तो ये सब दिक्कतें जो हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ, महंगाई है, ये सारे जो मुद्दे हैं, लोग त्रस्त है इससे। और लोग हम लोग को बोलते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को, ये बड़ी बातें कर रही है सरकार, कुछ मिला नहीं है, आप आइए गठबंधन बनाइए और आपको हम जिताएंगे। अकेले अकेले लड़िएगा तो वोट का बिखराव होगा, गठबंधन में आइए, इसलिए हमने गठबंधन की। उरांव साहब, जब आप जनसभाओं में होते हैं तो आप कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं, हमने देखा कि जब आप गांव में ग्रामीणों से बात कर रहे थे तो सरना धर्म कोड को लेकर चर्चा हो रही थी, क्या ये भी मुद्दा है झारखंड के चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा काफी उठा? जी, ये जब तक सरना कोड नहीं मिलता है तब तक ये मुद्दा बना रहेगा। ये आदिवासियों का मुद्दा है जो दूसरे धर्म में नहीं गए हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं। धर्म एक पहचान होती है,
कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, सिख है। ये एक धर्म जो होता है किसी भी कौम का एक पहचान बनता है वो। तो आदिवासियों का जो इतने बड़े लगभग 9 करोड़ आदिवासी हैं जिनका जो प्रकृति की पूजा करते हैं, अपने को सरना बोलते हैं, उस सरना का भी पहचान दिया जाना चाहिए, उनके धर्म कोड में सरना को मान्यता मिलनी चाहिए। ये लोगों की मांग है और उसी मांग को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप लोकसभा में देखे होंगे कि बीजेपी ने कई मुद्दे उठाए जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, 370 का या NRC का या अयोध्या मंदिर का। क्या आपको लगता है कि जो विभिन्न विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उछला, झारखंड के विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों की कोई अहमियत है? देखिए, इन्होंने ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा कह करके उठाया हरियाणा में, रिजल्ट क्या हुआ? अपनी सरकार तो बना नहीं सके। महाराष्ट्र में इन्होंने उठाया, क्या हुआ? बीजेपी तो अभी तक सरकार नहीं बना पाई। हरियाणा में सफल हुई है, महाराष्ट्र में नाकाम हुई। नहीं, वो तो जोड़ तोड़ से हुए ना, हरियाणा में अपनी सरकार तो नहीं बना सकी। इतना बड़ा मुद्दा, पहले इसकी अपनी सरकार थी, आज तो अपनी सरकार नहीं है, इस साझा सरकार है, टिकी हुई है किसी के सहारे में, JJP के सहारे में। तो ये जो है मुद्दा उठाकर मिला नहीं इनको, और यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ झारखंड का चुनाव है, झारखंड की जनता लोकल इशू पर, स्थानीय मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। CNT SPT हो या धर्मांतरण का मुद्दा हो, ये इस पर लड़ रहे हैं, स्थानीय मुद्दे पर। हमको राष्ट्र से यहाँ नहीं, राष्ट्र का मुद्दा तब उठेगा जब देश में चुनाव होगा, केंद्र सरकार बनाने के लिए चुनाव होगा, तब उठता है, तब उठना चाहिए। यहाँ क्या मतलब है सर? एक और मुद्दा है उनका और टारगेट भी है, कहें तो 65 पार का टारगेट। तो हरियाणा में कहाँ पार किए, 75 पार थे, आधा आए है ना, आधा भी नहीं हुआ, आधा से हो गया। हरियाणा में ये महाराष्ट्र में कहाँ रहे, 200 पार कहते थे, 102 में टिक गए। एक और बात आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हाथी है और उसकी पूछ है आजसू। हाँ, लोगों को समझाने के लिए कि लोग को भरमाता है, आजसू वाले भरमाते हैं कि हम तो सरकार में नहीं हैं, हमारा क्या दोष है। तो हम कहते हैं कि नहीं, सरकार में है, ये सरकार जो है भाजपा की, आजसू दोनों की है। भाजपा बड़ी पार्टी है, हाथी है, आजसू 6 उसके MLA हैं, विधायक हैं, तो पूछ है उसका। चुनाव बाद गठबंधन हो सकता है। पूरा ये फिर जमा होंगे, इनका मकसद एक ही है, मकसद लोग जानते हैं क्या मकसद से। आज जगह जगह कहीं गमछा बांध रहे हैं, कहीं तौलिया बांध रहे हैं, ये घर से दे रहे हैं क्या? ये तो लूटा हुआ, ये लूटे थे सत्ता में, शासन में, सरकार में रह करके उसी पैसे से ही बांट रहे हैं लोगों। लेकिन लोग समझ गए, कल हम कुड़ू में गए थे, लोगों ने ही बताया कैसा सा हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रलोभन में नहीं फंसेंगे, हम जानते हैं इनका हकीकत। आप लोग सरकार बनाएंगे? जनता का आशीर्वाद हम जगह जगह घूम घूम के ले रहे हैं गठबंधन के तहत, और जरूर बना, हमको उम्मीद है कि लोग हमको मदद करेंगे, आशीर्वाद देंगे, हम बनाने में हम कामयाब भी होंगे। तो सीधे तौर पे आपने रामेश्वर राव को सुना जो अपनी सभाओं में विभिन्न मुद्दों की चर्चा करते हैं और अपने विरोधियों पर करारा प्रहार करते हैं, कई मुद्दे वो जुबान पर लाए हुए हैं, बीजेपी को हाथी बताते हैं तो आंसू को उसकी पूंछ बताते हैं, यानी इशारों में अपने समर्थकों को ये बात समझाते हैं कि ये दोनों दल एक साथ हैं। साथ ही वो अपने एजेंडों को भी आगे लाते हैं कि उनकी सरकारों में क्या कुछ काम हुआ, उनकी उपलब्धियां क्या थी, और जो मौजूदा सरकार है उसकी भी योजनाओं की चर्चा करते हैं। वोट यात्रा पर रामेश्वर उरांव के साथ आज इतना ही, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी और नेता के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।